74वें गणतंत्र दिवस की परेड खास होने वाली है। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में कुल 23 झांकियां देखने को मिलेंगी। बड़ी बात यह है कि सभी झांकियों की थीम भी अलग अलग होगी। इसमें से ज्यादातर झांकियों की थीम वुमेन एम्पावरमेंट की होगी। इनमें 17 झांकियां देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की होंगी, जबकि 6 अलग सरकारी मंत्रालय और विभागों की होगी। हिमाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान और दिल्ली की झांकी अब की बार परेड में शामिल नहीं होगी। इस साल गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली झांकियों को लेकर दिल्ली स्थित नेशनल थिएटर में प्रीव्यू भी किया गया। इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए इस बार क्या है खास। दिवाली से जगमग होगी यूपी की झांकी की झलक। कर्तव्य पथ पर निकालने वाली इन झांकियों में देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश ने अंतिम दौर में जगह बनाई है। परेड के दौरान निकलने वाली झांकियों में यूपी की झांकी की झलक बेहद ही खास होने वाली है। इस बार झांकी की थीम अयोध्या का भव्य दीपोत्सव है। बीते 3 वर्षों में ये दूसरा मौका है जब यूपी की थीम रामनगरी अयोध्या है। यूपी सूचना विभाग के सेक्शन ऑफिसर प्रमोद कुमार ने बताया कि उनकी झांकी की थीम दीपोत्सव है। उत्तराखंड में दिखेगी विरासत की नजर। यूपी के अलावा पड़ोसी राज्य उत्तराखंड ने भी गणतंत्र दिवस की परेड के लिए खूबसूरत झांकी तैयार की है। उत्तराखंड की झांकी की थीम मानस खंड है। 3 भागों में बटी इस झांकी का हर हिस्सा उत्तराखंड की विरासत को दर्शाता है। उत्तराखंड सूचना विभाग के नोडल अधिकारी KS चौहान ने बताया कि उनकी झांकी की थीम मानस खंड है। इसमें दुनिया भर में मशहूर कॉर्बेट नेशनल पार्क में घूमते हुए 12 सिंगा और विभिन्न पक्षियों को दिखाया गया है। गुजरात की झांकी को लीड करेंगे PM मोदी के भाई। परेड में गुजरात भी अपनी झांकी पेश करेगा और इसको लीड करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई पंकज मोदी। गुजरात की झांकी की खासियत बताते हुए पंकज मोदी ने बताया कि गुजरात एक ऐसा राज्य है जो देश और दुनिया को एक नई दिशा देता है। इस बार की झांकी में भी नई दिशा और प्रेरणा देने की कोशिश की गई है। गुजरात के मोटेरा गाँव में सौर ऊर्जा से 24 घंटे पैदा होने वाली बिजली को दर्शाया गया है। जम्मू कश्मीर अपनी परेड में दिखाएगा नया कश्मीर। जम्मू कश्मीर की झांकी की थीम है तीर्थ यात्रियों और पर्यटन क्षमता की पृष्ठभूमि में नया जम्मू कश्मीर। झांकी में एक जंगल को दिखाया जाएगा जिसमें तेंदुआ, कश्मीरी बारासिंगा और तीतर होंगे, जबकि बीच के हिस्से में ट्यूलिप गार्डन और लैवेंडर की खेती और उस पर काम कर रही महिलाओं को दिखाया जाएगा। झांकी के बीच के हिस्से में मिट्टी के घरों की झलक देखने को मिलेगी, जो कि पर्यटकों को मौसम के अनुकूल रहने के लिए प्रचारित किया गया है। नारी शक्ति होगी ज्यादातर झांकियों की थीम। इस बार की ज्यादातर झांकियों की थीम नारी सशक्तिकरण है। महाराष्ट्र की झांकी की भी थीम नारी शक्ति ही है। इसके अलावा 3.5 शक्ति पीठ की थीम पर भी महाराष्ट्र की झांकी को सजाया गया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर की अंबाबाई, तुलजापुर की आई भवानी, माहूर की रेणुका माता पूर्ण शक्ति पीठ है, जबकि वनी की सप्तशृंगी को आदि शक्ति पीठ माना जाता है। इस बार दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में बंगाल की झांकी को भी शामिल किया गया है। झांकी चयन को लेकर राज्य और केंद्र में टकराव। पिछले कुछ सालों से झांकी के चयन को लेकर राज्य और केंद्र में टकराव होता रहा है। 2022 में पश्चिम बंगाल की तरफ से प्रस्तावित नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आधारित झांकी का चयन भी नहीं किया गया था। इसको लेकर CM ममता बनर्जी ने नाराजगी जाहिर करते हुए PM मोदी को खत लिखा था। राज्यों के अलावा इस बार विभिन्न सरकारी मंत्रालयों की ओर से 6 झांकियां परेड में हिस्सा लेंगी। पहली बार परेड में हिस्सा लेगी NCB। पहली बार NCB यानी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो भी गणतंत्र दिवस की झांकी में हिस्सा ले रही है। परेड की थीम है नशा मुक्त भारत। ये झांकी भारत को नशा मुक्त भारत बनाने के संकल्प को दर्शाती है। ये झांकी ड्रग्स के खिलाफ भारत के सशक्त संकल्प को प्रदर्शित करेगी। साथ ही झांकी के दोनों तरफ देश के अलग अलग राज्यों के लोगों को वृक्षारोपण का संकल्प लेते हुए दिखाया गया है। झांकी के निचले हिस्से में दो हाथों को मिलाकर नशे के खिलाफ सबकी सहभागिता और एकजुटता को भी दिखाया गया है। तो इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में भारत और मजबूती के साथ दुनिया को अपना दम और खूबसूरती दिखाएगा।